दरबार में कोहराम मचा हुआ है। खुशियों के त्योहार पर मातम फैल गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला आसा की है। यहां का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर भूपेंद्र सिंह पुत्र सुनील कुमार जो कि बाजार गया हुआ था और बाजार से वापस अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह घर के नजदीक पहुंचा तभी अचानक 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही घटना घटी घर में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और सबका पोस्टमार्टम कराया। दीपावली दीपों के त्योहार पर ही सुनील कुमार के घर का दीपक बुझ गया जिससे पूरे घर में मातम फैल गया। घटना के बाद से परिजनों का हाल बेहाल है। परिजनों ने क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, आप कौन है मृतक के? भाई। तो क्या हुआ, कैसे घटना घटी है? ना वो बाजार से आ रहा था, आते समय उसका 11-11 तार टूट के नीचे गिर गया, उसमें टच हो गया। कितने बजे की घटना है ये? 3:30 बजे। मौके पे मौत हो गई? मौके पे मौत। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नगला सा। अच्छा, थाना आपका? थाना गरोड़। थाना गरोड़। मृतक का क्या नाम है? भूपेंद्र। भूपेंद्र।